यूरोप के बाद पीआईए ने चीन और अफगानिस्तान के किरायों में भी कमी का ऐलान कर दिया। बीजिंग के दो दरफा किराए में 8,000 रुपए की कमी, काबुल के लिए 2,000 रुपए टिकट सस्ता हो गया। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद ओवैस से। जी मोहम्मद ओवैस, बताइएगा टिकट्स में कमी का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जो मुसाफरों को जो है खुशखबरी सुनाई है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि पीए ने पाकिस्तान से चीन, यूरोप और अफगानिस्तान के किराए में जो है खसूसी रियायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान से चीन की जो दो तरफा किराए में 8,000 रुपए की कमी की गई है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सामान 35 किलो जो है ज्यादा लेके जाया जा सकता था, जिसके बाद इन्होंने 5 किलो और बढ़ा के जो 40 किलोग्राम कर दिया गया है, जिसमें देखा जाए मुसाफरों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है खुशी की लहर नजर आ रही। पाकिस्तान से काबुल के लिए किराए में जो है 2,000 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है, जो 32,000 होता था वो 30,000 के करीब हो गया। तर्जमान पीए का ये भी साथ कहना था कि साल 9 के आखिर की मुनासिबत से जो है हमने मुसाफरों को सहूलियात दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुसाफिर जो है कौमी एयरलाइन इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा जो है कौमी एयरलाइन को मुनाफा हो सके। जी ठीक है, यूरोप के बाद पीआईए ने चीन और अफगानिस्तान के किरायों में भी कमी का ऐलान कर दिया गया है। मुसाफिरों में काफी खुशी की लहर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ओवैस आपका।